तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन 2 YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मध्य जो T20 वर्ल्ड कप का एक अहम मैच खेले जाने वाला है उसके एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन की प्रोडिक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर जिन्होंने एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लो। वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मैंने एक कॉमेंट को पिन करके रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। एंड दोस्तों, इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये अपना नया YouTube चैनल है जो कि काफ़ी टाइम पहले इसका ईमेल लॉस्ट हो गया था, अब ये रिकवरी हुआ था और इस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट किया। आई होप इस पर हम जल्द से जल्द 5K करेंगे और हमारा जो मेन चैनल है उस पर भी हम जल्दी से जल्द 9K करने वाले हैं। सो मैं चाहता हूँ कि जो मैं अभी एक स्ट्रेटजी का जो एक एल्बम टाइप में रिलीज़ करने वाला हूँ, जहाँ पर कि लगभग 10 वीडियोस होंगे, वो जल्द ही कंप्लीट होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं वो 10 वीडियो कंप्लीट करने के बाद पर डे एक वीडियो लगाने वाला हूँ और सेम टाइम शेड्यूल पे लगने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, हमारे यूज़र का फीडबैक कंटिन्यू आ रहा है जो कि हमने पहले स्ट्रेटजी वीडियोज़ बनाए थे, तो होपफुली वो आगे वर्क करने वाले हैं। और सबसे पहले, अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य ही आप जुड़ जाएं, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले ये जो हमने एक गिव अवे जो स्टार्ट किया था इंडिया पाकिस्तान वाले में से, वो यूज़र को मिल गया, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं मोस्टली जो लास्ट हमने वीडियो अपलोड किया था इंडिया और नीदरलैंड का, इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और अब इस वीडियो में हम जो इंडिया और नीदरलैंड वाले में जो गिव अवे विनर्स बनेगा उसको हम अनाउंस कर देते हैं। तो दोस्तों, ऑटो कमेंट पिकर पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम लिंक डाल देते हैं। तो सबसे पहले कमेंट्स देख लेते हैं कितने कमेंट्स हैं यहाँ पर, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ये कैप्चर फिल कर देता हूँ मैं। 10 टोटल कमेंट 41 आए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कौन विनर बनता है तो भी पता लग जाएगा। तब तक दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक भी कर सकते हो और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है ना, जो भी आपको अच्छा लगे। तो विनर है शुभम, इनका कमेंट है सुपर डुपर एनालिसिस बाय डीपली नॉलेज इन शॉर्ट वीडियो। थैंक यू शुभम, और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जो इस जो इंडिया वर्सेज नीदरलैंड वाला जो वीडियो था उसमें आप जो विनर्स बने और आपको 100 रुपीज़ का जो पेटीएम और या फ़ोन पे जो कैश है वो मिल जाएगा, मतलब पेटीएम कैश आपको मिल जाएगा मेरी तरफ से। तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर देना, अदरवाइज आप अपने यूट्यूब में जो कमेंट है उसको एडिट करके अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल देना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी गिव अवे है तो आप एक अच्छा सा कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो, बारिश लगातार जो है काम ख़राब कर रहा है, जैसा कि मैंने बोला था कि वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता। अब बारिश को हम देखते हैं, आगे शेड्यूल्ड देखते हैं, बारिश आने वाली है नहीं आने वाली है। जहाँ पर चांसेस होते हैं कि बारिश आने वाली है तो वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बनाता, उसका कोई मतलब नहीं बनता। बट ये जो है कल का जो दिन है वो सेफली जाने वाला है, 3 मैच हमें देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान नीदरलैंड का, और वो मैच मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि देखो, ब्लंडर हो रहा है लगातार पाकिस्तान के साथ, और बहुत ज़्यादा मतलब हंसी भी आती है, दुख भी होता है, पता नहीं क्या क्या। क्योंकि उनके जो फैंस हैं वो जो बोल रहे ना स्टार्ट में कि इंशाल्लाह हम जो फाइनल उठा के लेके जाएंगे, तो उस हिसाब से घमंड कभी नहीं करना चाहिए यार, उस एटीट्यूड में मत रहो। क्योंकि पाकिस्तान उतना नहीं है भैया, आप श्रीलंका को देख लो, तुक्के से फाइनल जीतने वाली टीम श्रीलंका, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मर मर के आगे जा रही है, इतना बुरा हाल हो रखा है। ऊपर से अपने शोएब अख्तर भाईजान क्या बोल रहे हैं कि इंडिया भी कोई 30 मार्क खान नहीं है, वो भी नेक्स्ट वीक बाहर हो जाएगी। तो देखते हैं कौन बाहर होता है, बाकी आप अपने आप को संभालिए। मेरे को लगता है या नीदरलैंड भी ब्लंडर करने वाला है पाकिस्तान के साथ। खैर, अपने चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं वीडियो में। और दोस्तों, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हम जो कहीं ना कहीं क्रिकेट रोस्ट का भी मैं एक चैनल स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। कमेंट में आप बता देना ये चीज़ सही है कि नहीं है। देखो, कोई भी टीम जीते हारे उसका रिव्यू करना, मीम्स हो गए वो शेयर करना, या जो एक प्रकार से रोस्ट होता है, जो ज़्यादा मतलब पाकिस्तान वाले ज़्यादा उछल रहे हैं उनके लिए कुछ अगर ऐसा करना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हम अच्छा सा चैनल बनाएंगे और एक जो फ़नी टाइप का हम आपको जो क्रिएटिविटी यहाँ पर ला के देंगे वीडियोज़ में। सो अगर वो मैं धीरे से स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, जल्द से जल्द ये 10 वीडियो कम्प्लीट हो जाए। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं करूँगा स्टार्ट, आप कमेंट में बता भी सकते हो अगर करना हो तो। बाकी सबसे पहले हम इंडिया और साउथ अफ्रीका वाले मैच के बारे में बात कर लेते हैं, डीपली बात करेंगे। देखो, यहाँ की पिच जो है ना, लाइक पर्थ में मैच होने वाला है तो पिच हमेशा पेसर्स को हेल्पफुल रहता है, ठीक है ना। हमने लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे टेस्ट मैचेस देखे हैं तो वहाँ पर पेसर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। और स्पिनर्स जो विकेट चटकाते हैं ना, वो देखो यार, अगर फर्स्ट इनिंग में भी अगर
स्पिनर विकेट चटकाएगा। तो अगर पेसर्स ने स्टार्ट में दबाव बना के रखा है, मिडल ओवर्स में अगर स्पिनर बॉलिंग डालने आएगा और ऊपर से बैटिंग टीम पे प्रेशर होगा ना, तो स्पिनर विकेट चटकाएगा। बाकी देखो इतना ज़्यादा वो स्पिन देखने को हमें नहीं मिलता, टर्न वगैरह नहीं मिलता, बॉल सीधा निकलता है और इजीली बल्लेबाज हिट भी कर सकते हैं। जैसा कि मेलबर्न में लगभग जो विकेट था इंडिया और पाकिस्तान वाले मैच में, जहाँ पर कि अक्षर पटेल को शायद 3 से 4 सिक्सेस भी लगे थे, तो उस हिसाब का विकेट देखने को हमें मिल सकता है। तो पेसर्स के मामले में अगर बात करें तो इंडिया के मुकाबले मैं साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा हैवी बॉलिंग लाइनअप समझूंगा पेसर्स के मामले में। इंडिया का भी शानदार है क्योंकि देखो पेसर्स ने अचंभित किया है, अर्शदीप सिंह लगातार ऐसी विकेट्स जो इंडिया में शायद नहीं थी जो अभी पर्थ में है, बट उस हिसाब का विकेट जो हमने देखने को मिला था जहाँ पर कि साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर पूरा ख़राब कर दिया था, मतलब विकेट्स चटकाए थे कंटिन्यूली अर्शदीप ने, तो वैसा हो सकता है। होपफुली यहाँ पर अगर टीम इंडिया चेज करेगी ना तो मेरे अकॉर्डिंग देखो बेस्ट टोटल रह सकता है। उस हिसाब से ऊपर की अगर बॉलिंग डालेंगे तो रोक सकते हैं ये मिस फील्डिंग वगैरह अगर ना करे तो। उस हिसाब से देखो डेविड मिलर की अगर मैं बात करूँ तो ये डेथ में बढ़िया पिक बन सकता है। बट क्विंटन डिको की अगर मैं बात करूँ, देखो अगर मैं जैसा कि बोल रहा हूँ स्टार्ट की अगर 1 से 3 विकेट जल्दी गिर गए ना, टोटल 1 से 3 विकेट अगर स्टार्ट में जल्दी गिर जाते हैं तो दबाव में आएगी साउथ अफ्रीका। क्विंटन डिको की अगर मैं बात करूँ शानदार फॉर्म में चल रहे हैं ये, अभी वर्ल्ड कप जो स्टार्ट किया ना अच्छा किया है स्टार्ट इन्होंने, लगभग जिम्बाब्वे के खिलाफ भी देखो एक ओवर में फर्स्ट ओवर में इन्होंने लगभग 24 रन लगा दिए थे बोर्ड पे, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 103 पॉइंट्स थे, तो अच्छी फॉर्म है। सो इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा प्रेशर जरूर फील करने वाले हैं, सो उस हिसाब से मैं प्रेफर करूंगा सेल के लिए। देखो बाय के लिए मैं नहीं जाऊंगा क्विंटन डिको के साथ जिस हिसाब का गेम होने वाला है। अगर चेज भी करेगी साउथ अफ्रीका तो भी देखो इन पर प्रेशर 110% रहने वाला है, स्पेशली हर्षदीप सिंह ने इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, मोहम्मद शमी भी ऊपर से आ चुके हैं, तो प्रेशर रहने ही वाला है, ऊपर से भूवी भी है जो स्विंग करवा रहे हैं। सो यहाँ से क्विंटन डिको थोड़ा सा इफेक्टिव लेते हैं, जो कि मैं यहाँ से सोचता हूँ ना कि हमेशा 8 पॉइंट जो मैं विकेट कीपिंग के सोच रहा हूँ वो देखो डेफिनेटली इनको मिल सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी मिले, क्योंकि रीज़न आपको पता है साफ साफ। रोहित शर्मा को भी लगातार नॉर्थ जे ने परेशान किया है और ऊपर से कगिजो रबाडा भी है, तो देखो एज वगैरह लगने के चांसेस बनेंगे और कीपर के हाथ में भी कैचेस जा सकते हैं, स्लिप के हाथ में भी कैचेस जा सकते हैं। तो रोहित शर्मा देखो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हम बोल सकते हैं बैड फेज से गुजरे, अब एक अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक ट्रुथ ये है कि देखो कोई भी आए वो उछल के विराट कोहली को ही बुरा भला बोलता है, कभी भी किसी ने रोहित शर्मा की फॉर्म को मतलब नहीं ऐसे कैरी किया, कोई भी क्वेश्चन ऐसे कैरी नहीं किया कि यार रोहित शर्मा का फॉर्म कैसा चल रहा है, बट विराट कोहली पे भाग के आएंगे। अगर इन्होंने अगर टीम इंडिया मैच भी हार जाए और ये 50 रन भी बना देंगे ना तो भी बोलेंगे कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है। नीदरलैंड के खिलाफ देखो मरमर के 70 रन बने, जैसा कि शोएब भाई बोलते हैं लगातार अपनी वीडियोज़ में पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के खिलाफ 4 पॉइंट, तो उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 8 पॉइंट, तो उसके बाद साउथ अफ्रीका 52, फिर 0। इतना अच्छा फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, मतलब इनके साथ ही ब्लंडर हो रहा है लगातार, एक में चलते एक में नहीं चलते एक में चलते एक नहीं चलते। बट फिलहाल मैं सोचूंगा, देखो चेंजेस अगर होता भी है तो राहुल की जगह पंत आ सकते हैं, बट मे भी मेरे को लगता है कि इतना बड़ा प्लेयर है, क्लासिक प्लेयर है, तो इसको बैक करेंगी टीम इंडिया अगेन। और इस मैच में देखो राहुल के लिए ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस प्लेयर पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, ऑफर में 33 में मिले ना तो बहुत ज़्यादा शानदार पिक बनने वाली है। बट देखो विकेट बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हम बोले ना खतरनाक है, बट देखो राहुल के लिए एक चीज़ ये है कि एक दो मतलब शॉट्स स्टार्टिंग में खेलेंगे, जैसे अपनी जो गलतियों पर अगर ये काम करके आएंगे तो बहुत ज़्यादा शानदार पिक रह सकते हैं। और क्रिकेट के अंदर हम जो अगर इस स्ट्रेटजी से खेलते हैं कि देखो प्लेयर क्या कर रहा है और हम भी अगर उसके हिसाब से देखेंगे ना तो हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल पिक बन सकती है। सो राहुल को आप होल्ड भी कर सकते हैं, मे बी 50 भी आ सकता है, क्योंकि देखो एक गेम था इंडिया में जहाँ पर मैच हुआ था, जहाँ पर कि एक प्रकार से साउथ अफ्रीका को मैंने जो बताया कि अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट चटकाए थे लगातार, मतलब पहले मिलर को डक पे आउट किया था, उसके बाद रूसो को फर्स्ट बॉल पे चलता गया था, तो उस हिसाब से जो गेम था उसमें देखो टीम इंडिया की तरफ से भी स्टार्ट स्लो था, बट राहुल ने कैसे भी करके रन्स किया था। सो इस गेम में भी ये रन्स कर सकते हैं, सो राहुल में भी एक बढ़िया पिक बन सकती है बाय के लिए, जो हिसाब से मैंने आपको जो चीज़ बताई उस हिसाब से देखो। बाकी आप अपने हिसाब से भी एक कॉमेंट कर सकते हो। रोहित शर्मा के लिए भी स्लाइटली ये मैच थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। बाकी देखो सूर्य कुमार यादव होल्ड के लिए ट्राई कर लेना, और बाय के लिए भी कुछ ना कुछ शेयर्स आप खरीद सकते हो तो ऑफर में 33 में मिले तो। देखो क्यों, क्योंकि देखो 4 नंबर पे आके ये टीम के लिए इंपॉर्टेंट फेज पे आते हैं, इनको सब पता रहता है, गेम सेट रहता है इनके लिए। अगर विकेट्स जल्दी गिर जाते, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ आते इन्होंने रन्स करने की कोशिश की थी, भले ही ये 15 रन पे आउट हुए थे, बट इनका इंटेंट अच्छा था और प्रॉफिट दे सकता है ये बंदा। प्लस अगर गेम सेट है ऊपर से अच्छे खासे, देखो जैसे 90 पे 2 है
तो इस बंदे को गेम सेट मिलेगा, इस पर कोई प्रेशर नहीं होगा, फिर आके इजीली अपना गेम चलाएगा, 30-40 रन की इनिंग खेल के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सो इस हिसाब से आप जो सूर्य कुमार यादव को भी पिक कर सकते हो, केएल राहुल को भी साथ जा सकते हो। हार्दिक पांड्या अगेन मेरे लिए एक बेस्ट पिक रहने वाली है बाय के लिए, इस गेम में स्पेशली बहुत ज़्यादा इफेक्टिवल पिक रह सकते हैं। देखो हार्दिक पांड्या का अच्छा खासा पेस मिल रहा है, जहाँ पे जनरली मैं बोल सकता हूँ 140 प्लस इनको पेस मिल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, और अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे, अच्छी लाइन पे डाल रहे थे और विकेट्स भी चटकाए थे इन्होंने। सेम टू सेम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कर सकते हैं, और विकेट टेकिंग ओवर इनको दिया जाता है जहाँ पर ये विकेट लेके जाता है। 2 विकेट लेके चले गए और 20 रन तक, मैं होप तो ये करूँगा नौबत ना आए, बट देखो ऑलराउंडर को कभी भी प्रमोट भी किया जा सकता है, और मैच ऐसा भी बनेगा क्योंकि साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक मैं अगेन बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा शानदार है। सो 20 रन अगर ये करके चले गए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो हार्दिक पांड्या भी एक बेस्ट पिक बनता है बाय के लिए, और होल्ड के लिए भी आप इनको ट्राई कर लेना, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। रोहित शर्मा का जैसे मैंने बताया, देखो इतना अच्छा फॉर्म में नहीं है और साउथ अफ्रीका वाले इनको लगातार परेशान करते हैं। अपने विराट भाई की अगर मैं बात करूँ, इनको आप होल्ड के लिए ट्राई कर लेना। बाय में देखो मैं अगेन बोलूँ थोड़ा रिस्की है, बट मैं चाहूँगा परफॉर्मेंस आए, बट मैं कन्फ्यूज़ हूँ। सो विराट कोहली भी मैं कुछ ट्रेड नहीं करूँ, आफ्टर टॉस देखते हैं भैया, जो भी अच्छी वाइब्स आएगी या जो भी और एनालिसिस हुआ उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, बट स्टिल इन पे आप कुछ मत करना। रोहित रिस्की है, सो कुछ ना कुछ अगर रिस्क लेना चाहो तो देखो यहाँ पर जा सकते हो, बट बाय में बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की लग रहा है मेरे को रोहित शर्मा बाय में। तो रोहित शर्मा के साथ मैं नहीं जाने वाला हूँ। डीके को भी एक बार छोड़ते हैं, टॉस पे डिपेंड करेगा क्या होता है क्या नहीं होता, इनको भी एक बार लेफ्ट करते हैं। अब हमारी बॉलिंग अटैक पे आ जाते हैं, तो शायद अक्षर नहीं दिए गए हैं ट्रेड में, तो रविचंद्रन अश्विन, शमी, भुवनेश्वर, अर्शदीप सिंह। अब सबसे पहले इनके बारे में बात करें, टीम इंडिया अगर पहले बॉलिंग डालता है तो पर्थ जैसी विकेट पे अर्शदीप सिंह के मैं 2+ विकेट मानता हूँ। रीज़न आपको पता है, स्टार्टिंग में विकेट चटकाते हैं, पावर प्ले में एक विकेट चटकाने की इनका एवरेज है, डेथ में एक पॉइंट से मतलब दो, मतलब विकेट चटका रहे हैं, 1-2 विकेट चटका जाते हैं डेथ में भी, मतलब 2+ विकेट मैं इनका मान सकता हूँ अर्शदीप सिंह का, अगर टीम इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करता है और सेकंड भी बॉलिंग करेगा तो भी इफेक्टेबल रहेंगे, 28 पॉइंट तक इजीली दे जाएंगे। कहने का मतलब इन पर रिस्क लेना मतलब प्रॉफिट को नुकसान में कन्वर्ट करना, उसको लॉस में कन्वर्ट करना, तो इन पे मतलब ट्रेड मत करना सेल के लिए, बाय के लिए बेस्ट पिक रहने वाली। और अभी शायद एक लीडिंग बॉलर बना हुआ है, इनसे हम उम्मीद लगा सकते हैं, आशा लगा सकते हैं कि ये बंदा विकेट चटका के देगा। भुवी का देखो 1+ विकेट का सिनेरियो रहता है, प्लस कैच भी पकड़ सकते हैं, अगर क्रूशल, मैं चाहता हूँ क्रूशल मोमेंट ना आए टीम इंडिया के लिए, अगर कुछ ऐसा क्रूशल मोमेंट है जहाँ पर बैटिंग की भी जरूरत पड़े तो 10-15 रन करके ये बंदा दे सकता है। तो क्रिकेट में ऑल आउट मैंने बोला हुआ हमेशा ही, हमें सब पॉसिबिलिटीज़ सोचनी पड़ेगी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तब जाके हम फैंटसी में सर्वाइव कर पाएंगे। तो भुवनेश्वर भी देखो बाय के लिए एक बढ़िया पिक बन सकती है, ऑफर में 2300 मिले तो बहुत ज़्यादा शानदार पिक है। कैच एंड बोल्ड का भी इनको चांस बहुत ज़्यादा बार मिलता है, मैंने एक चीज़ नोट किया है, खुद की ही बॉल पे ये कैच पकड़ते हैं, क्योंकि स्लोअर डालते हैं एकदम से वो डिप करके, मतलब बल्ले पे लगी और हाथ में आई बॉलर के सीधा, तो कॉटन बोल्ड का भी इनके पास चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अश्विन की अगर मैं बात करूँ, बैटिंग वाला सिनेरियो इन पे भी रहेगा, बैटिंग भी आ सकते हैं प्लस एक विकेट भी चटका सकते हैं। बाकी जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग कर गया और सेकंड अगर बॉलिंग डाली ना, तो ये बंदा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि सब मैं आपको एक प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 22 के 22 प्लेयर हमें ट्रेड करने हैं, जो बताया कि टीम इंडिया पहले बॉलिंग करे तो किसको बाय करना है किसको सेल करना है। अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करे, लाइक कि पहले टीम इंडिया बॉलिंग डाल रही है, और अगर टीम इंडिया सेकंड बॉलिंग डाले तो हमें क्या करना, वो चीज़ आपको सब नोट रखनी है क्या क्या मैंने बताया। तो उस केस में देखो रविचंद्रन अश्विन बेस्ट रहेंगे सेकंड बॉलिंग में, सेकंड बॉलिंग में अश्विन प्रेशर में डालेंगे कंफर्म है। 20 में ऑफर में मिले तो बाय कर लेना, बाकी 24 में भी कोई बड़ा खराब पिक नहीं है, एक शानदार पिक बन सकती है। शमी के बारे में बताऊं तो शमी देखो 1+ विकेट चटका सकते हैं, मतलब विकेट टेकर हैं, सेल करना तो रिस्की है, क्योंकि 20+ पॉइंट दे जाएंगे, हो सकता है कैच भी लेंगे तो 28 हो जाएंगे, तो सेल में 2 रुपये का वैसे ही लॉस हो गया। तो ऐसी पिक है, अगर 2 विकेट चटका गए तो फिर कहना ही क्या, तो मतलब सेल करना, तो अगर 20 एक विकेट चटकाते तो 6 रुपये पर शेयर प्रॉफिट होगा, वो भी कंफर्म नहीं, क्योंकि सामने टीम इंडिया है जो कि एक अच्छी तरीके से स्टार्ट लेके चल रही है, 2 में से 2 मैच जीती हुई है, अच्छा नेट रन रेट है, तो इन पे प्रेशर नहीं। अगर फर्स्ट मैच अगर पाकिस्तान से हार जाते तो उस बाद में हम बोलते हैं कि चलो ठीक है बॉलर्स पे प्रेशर है, तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलेगी तो प्रेशर रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा एक बार 2020 वाले वर्ल्ड कप में टीम इंडिया पाकिस्तान से हार गई थी फर्स्ट मैच 10 विकेट से, तो सेकंड मैच न्यूजीलैंड से भी हार गई थी, उसमें हमारी बॉलिंग नाकाम रही थी। सो उस केस में हम इनको सेल करने का सोच सकते हैं, बट अभी इन चारों को सेल करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, इनको सेल करना टोटली रिस्की है, मनी वेस्ट है। तो इंडिया के बारे में हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं हम साउथ अफ्रीका पर। क्विंटन डिको का मैंने आपको बता दिया, देखो रिस्की लग रहा है तो लग रहा है भैया,
वाइब सीरीज़ की आ रही है, सो सेल के लिए ट्राई करो। ये प्लेयर 24 में ऑफर में बाय में मिले तो मिलर आपके लिए बढ़िया रहेगा, डेथ में रन करेगा ये बंदा। देखो 20 से 25 रन की मैं उम्मीद लगा रहा हूँ, कैचेस तो ये पकड़ते हैं, मतलब 30 से 40 पॉइंट की उम्मीद मैं इनसे लगा सकता हूँ। सो डेविड मिलर एक ऐसी पिक रहने वाली है। रीले रूसो अगेन मैं बोलूँगा, देखो शतक लगाया है बट स्टिल मेरे को बेस्ट लग रहा है सेल के लिए। ये प्लेयर मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ जो मेरी स्ट्रेटेजी है, मिस एंड हिट। लास्ट मैच अभी इनका कैच ड्रॉप हुआ था, उस हिसाब से इन्होंने रन किए थे, तो कैच ड्रॉप नहीं होता तो ये रन कर गए। उससे पहले भी ग्लेन फ्लिप्स का भी कैच ड्रॉप हो गया था, फिर उन्होंने रन किए थे 12 रन पर, शायद ग्लेन फ्लिप्स का कैच ड्रॉप हुआ था न्यूजीलैंड की तरफ, जो साउथ इन्होंने श्रीलंका से मैच खेला था। तो रिले रूसो का भी मेरे को चांसेस सेल के लिए लग रहा है। तेंबा बहुमा की अगर मैं बात करूँ, देखो ये बंदा अभी वही है, फॉर्म इतना अच्छा नहीं है यार, पता नहीं 5वें पे आएगा कैसे आएगा कन्फर्म नहीं है, लगातार ये स्ट्रगल करा। भुवनेश्वर के सामने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, ज़्यादा नहीं 10 शेयर ट्राई कर लो सेल के लिए तेंबा बहुमा। एडन मार्करम देखो रन्स करने वाला है, इस बंदे को आप जो बाय के लिए ले सकते हो। ये बंदा देखो अपना अच्छे से गेम को चलाता है, फिर जाके एट द एंड में हिट करता है, बॉलिंग भी डाल सकता है 1 से 2 ओवर, और ऑल पॉसिबिलिटीज हम सोचे तो एक विकेट भी मिल गया तो फिर प्रॉफिटेबल पिक बन जाएगी। बट कब इंपॉर्टेंट है ये बंदा, जब साउथ अफ्रीका टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी, और सेकंड बैटिंग में भी आप इनको बाय कर सकते हो। सेकंड बैटिंग में देखो कैसे बाय करोगे, ऑफर में अगर आपको 30 रुपीज़ में मिले बाय के लिए तो ये बंदा बेस्ट रहने वाला है। बट कहीं ना कहीं मेरे को इनका मैच डे लग रहा है, सो 30 से 40 या ऐसे पॉइंट प्लस पॉइंट दे जाएंगे ये एडन मार्करम। उसके बाद बॉलिंग लाइनअप की अगर मैं बात करूँ, केशव महाराज, लुंगी इंगडी, किगिज़ुरबाडा, वेन पार्नेल, एडन मार्करम। देखो जिस हिसाब से टीम इंडिया नीदरलैंड को अगर हम निकाल दें तो पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रेशराइज कंडीशन थी, देखो साउथ अफ्रीका के सामने इतना प्रेशर नहीं है, बट एक जो है ना कि पाकिस्तान ने जब जब इंडिया को सपोर्ट किया, लाइक T20 जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था उसके अंदर इंग्लैंड से इंडिया को जीतना था, वहाँ पर जैसा रॉय ने पिटाई की थी स्टार्ट में आते ही, जॉनी बेस्टो ने पिटाई की थी, मतलब पाकिस्तान इंडिया की लिए दुआ मांग रहा था कि इंडिया जीत जाए, बट इंडिया हार गया था। अब पाकिस्तान अगेन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी दुआ मांगी कि, तो देखो अब ये चीज़ तो देखो एक लक होता है, बट जिस हिसाब से परफॉर्मेंस उस हिसाब से टीम इंडिया, अगर मैं 100 में से बोलूँ ना चांसेस, अगर मेरे मैं अपने नेशनलिटी को निकाल दूँ कि ठीक है नेशन है अपना देश है, बट 100 में से अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो मेरे को लगता है 65% चांसेस जो है इंडिया के हैं, ठीक है ना, 35 साउथ अफ्रीका का मेरे को लग रहा है। तो उस हिसाब से आप जा सकते हो, बाकी टीम इंडिया प्रेशराइज कंडीशन में नहीं है, और देखो लेफ्ट आर्म स्पिनर को अच्छा खेल रही है टीम इंडिया लगातार, सो टारगेट कर सकते हो, बट रिस्की है। देखो रिस्की क्यों है मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं चांसेस कम लग रहा है विकेट मिलने का, बट अगर एक विकेट मिल भी गया, एक विकेट अगर बाई चांस मिल भी गया ना तो बराबर आ जाएंगे, और उसके बाद अगर रन के भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि अगर प्रेशर में एक साथ रुके तो कुछ ना कुछ रन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप इनको ट्राई करना। देखो बिग रिस्क बिग रिवार्ड वाली ये पिक रहने वाली है। उसके बाद किगिज़ुरबाडा की मैं बात करूँ, थोड़ा सा चांसेस लग रहा है कि देखो नॉर्थ ईस्ट परेशान करेंगे, कन्फर्म है परेशान करेंगे, अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग डालेंगे तो 2+ विकेट इनके पास है, तो उस केस में देखो रबाडा को 1 विकेट मिलने का चांस लग रहा है, और विकेट लेस भी जा सकते हैं, जहाँ फीलिंग आ रही है मेरे को एक अच्छी ये फीलिंग्स आ रही है। बट पार्नेल की अगर मैं बात करूँ, ये स्टिल रिस्की है, इनको भी देखो एक बार मैं ड्रॉप करने वाला हूँ, ये भी टॉस वाली पिक है। और लुंगी इंगडी देखो 1+ विकेट चटका सकते हैं, इनका जो स्लोअर बॉल जो डालते हैं ना उस हिसाब से देखो पेसर्स को तो हेल्प मिलने ही वाला है। पूरे मैच की अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी की, तो लगभग फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट तक गिर सकते हैं, और सेकेंड इनिंग में अगर टीम इंडिया चेज करेगी तो 4 विकेट तक मानता हूँ मैं, और साउथ अफ्रीका चेज करेगी तो लगभग 8 विकेट मानता हूँ। तो कहने का मतलब लगभग 10 से 14 विकेट समय देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की प्रेडिक्शंस, कैसी लगी आप वीडियो में ज़रूर बताना, कमेंट करके बता सकते हो, लाइक कर सकते हो। बाकी अब हम आगे चलते हैं प्रीमियम मल्टीवेगर के बारे में बात करूँ, स्पेशली बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ। राहुल आउट ऑफ फॉर्म, लगता है कि इस मैच में कैरी करने वाले फॉर्म को रोहित शर्मा, मिस एंड हिट वाला, जहाँ तक लग रहा है कि देखो साउथ अफ्रीका इनको परेशान करती है। विराट कोहली कंसिस्टेंसी दे रही है, सूर्य कुमार कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड हिटर है, ये लास्ट मैच फॉर्म परफॉर्म करके है, बट जो वीडियो में बोला है कि इस बार चांस लग रहा है रिस्की है, बट चांस लग रहा है कि फ्लॉप होगा ये, ठीक है ना, फ्लॉप का चांस पूरा अच्छा खासा फ्लॉप का चांस, यहाँ पर भी लग रहा है परेशान करते हैं तो फ्लॉप का चांस, मतलब हमारे पास चांस बचे 2-3 और बचे हैं कि 2 को हमने निकाल दिया। तो KL राहुल को कैरी कर सकते हो, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली,
जब पांच प्लेयर मिलते हैं ना तो तीन पे भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 50-50 तो भी हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर चार टाइम रिटर्न 150 लगाएंगे तो 200 वापस मिलेगा, यहाँ पर 150 लगाएंगे तो 200 वापस मिलेगा, और यहाँ पर अगर 150 लगाएंगे ना तो फिर भी एक लगभग 160-170 रुपये हमें वापस मिलेगा, और जो कि लोगों को पता भी है कि ये फॉर्म को कैरी कर सकता है राहुल इस मैच में। आप अपनी पिक जरूर बताना, बाकी होल्ड में जो जो बताए वो ट्राई कर लेना। बाकी एक्सचेंज स्टूडेंट एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और डाउनलोड लिंक कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन करके रखा हुआ है। बाकी देखो यूट्यूब चैनल नया है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और मैं चाहता हूँ कि आप लगातार सपोर्ट करोगे तो हम एक और कॉमेडी टाइप से वीडियो जो मैंने आपको बोला है उसका भी आप बता देना कि हम बनाएं या ना बनाएं। बाकी देखो एल्बम वीडियोस की शूटिंग चल रही है, थंबनेल वगैरह क्रिएट हो जाएंगे, उसके हिसाब से मैं आपको 10 वीडियो जो अच्छे से अच्छी स्ट्रेटजी वाले प्रोवाइड करने वाला हूँ कंटिन्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।